जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्या श्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विधा श्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद सम्पन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। धातु और पाषाण की मात्र प्रतिमा नहीं है। आपने एक लब्ब का नाम सुना होगा, द्रोणाचार्य ने कह दिया हम तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे, तो उसने क्या किया, जीते जी द्रोणाचार्य की आज्ञा के विरुद्ध में उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसकी प्रतिष्ठा करके उसको गुरु मान के उसने धनुर्विद्या सीखी और ऐसी सीखी कि वो अर्जुन से भी बड़ा धनुषधारी बन गया, जबकि गुरु की आज्ञा नहीं थी, गुरु का मन भी नहीं था कि इसे धनुर्विद्या सिखाए। आपके अंदर जिस दिन उस तोड़ा उसके एक लब्ब का एक भी अंश आ जाएगा तो आप कहां पहुंच जाएंगे हमें पता नहीं। ये जो जितेंद्र भगवान है, अगर आपने इनको अपना गुरु मान के और इनकी अर्चना भक्ति की तो आपको वो कुछ मिलने वाला है। द्रोणाचार्य केवल धनुर्विद्या जानते थे और ये क्या जानते हैं, ये संसार की सारी विद्याएं यहीं से निकलती है। जो आत्मज्ञान है, आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान क्या होता है अभी तक हमें पता ही नहीं। हमारे अंदर आत्मा रहती है और निकल जाती तो लोग वहां धर के आते हैं, सामने अग्नि के ऊपर रख देते और संस्कार कर देते चला जाता है। कौन सी चीज निकलती है हमारे अंदर रहती, क्या अभी हमने कभी जाना, किसी को पता है हमारे अंदर क्या है? 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, आज तक हमने अपने अंदर झांक लिया हमारे अंदर है क्या? महानुभाव, मानव जीवन हमें अपनी आत्मा जानने के लिए मिला है, नोट कमाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, देखने सुनने भोगने वाने के लिए नहीं। आप ये कहो कि नहीं भैया जी हम ये नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो, आप पाप नहीं छोड़ सकते, कोई भी व्यक्ति पाप नहीं छोड़ सकता, ये नोट कर लेना। एक हंसी की बात बताऊं, एक बहुत बड़े मुनिराज मरठ में पधारे, एक मुनिराज मरठ में पधारे, बहुत बड़ा संघ का नाम उनका बड़ा जय जयकारा होता है,
हमारे यहाँ हस्तनापुर के एक पंडित थे, वो शादी ब्याह कराते थे जेएनबीडीसी। तो उनको उनने बुलाया, पंडित जी तुम शादी ब्याह मत कराना। बोले क्यों? बोले हिंसा का काम है। बेचारे पंडित जी उनकी बात मान गए और उन्होंने नियम लेके आ गए। हमारे पास पहुंचे, जब वो पंडित जी हमारे पास पहुंचे तो हमने पंडित जी क्या होगा, बोले हम शादी ब्याह नहीं कराएंगे। हमने क्यों? बोले हम महाराज जी से नियम ले आए। तो उनकी तुमने इतनी ताकत नहीं थी, महाराज जी से कह देते अगर शादी ब्याह नहीं होते तो तुम कहां से पैदा होते? महाराज जी कहां से पैदा होते अगर शादी ब्याह नहीं होता तो? हर चीज का विधि विधान से आप उपयोग करो। भोजन भी है, क्या क्या खाना है, पानी कब पीना है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और एकदम से कुछ भी खा लोगे, कुछ भी भर लोगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपका अनपच हो जाएगा। तो महान भगवान धर्म भी यही सिखाता है आपको कि आप पाप व्यक्ति इस संसार में वो भगवान तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनसे भी पाप नहीं छूटता है। पाप से ही पुण्य की उत्पत्ति होती है, ये बात नोट कर लेना। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आरिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधे रखा। यहाँ पधारे घंटागढ़ आदि समस्त देवी देवता पद्मावती अम्र कुशवान नवकार मंद के देते भाई महापद्मा आदि समस्त देवी देवताओं की ओर से कलकुंड स्वामी शिव नोमना आदि समस्त देव देवी परिवार अखिल श्री संघ की ओर से समस्त आश्रम के भक्त जनों की ओर से उनके इष्ट मित्र परिवार जनों की ओर से विधान करने वालों की ओर से करमाने वालों की ओर से सुनने वालों की ओर से सुनाने वालों की ओर से भारत चैनल वालों की ओर से महामंत्र के चरणों में जयमाला पुनर्गम नृपामति स्वाहा। धर्म प्रेमी बंधुओं, 15 अगस्त की बात वास्तव में विचार किया जाए तो हमारा स्वतंत्रता दिवस, सब कहते स्वतंत्रता दिवस, स्व और तंत्र, स्व अर्थात आत्मा और तंत्र माने उस पर अनुशासन करना। आत्मा पर अनुशासन करने यह है स्वतंत्रता, अभी से नहीं, यह हमारा अनादि सिद्धांत, अनादि सिद्ध सिद्धांत है। प्रत्येक परमाणु, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है और वह स्वतंत्रता को पाने के लिए वास्तव में हमारे जीवन में वह स्वतंत्रता कैसे आए, तो कहते हैं कि हम अपने आत्मा पर अनुशासन कैसे करें, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे अधिकारी हो, प्रत्येक अपने अपने आत्मा पर अनुशासन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें, तो यह देश से भ्रष्टाचार और जितना भी अनाचार है सब नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। प्रत्येक कर्तव्य अर्थात जैसे यह अनुशासन जीवन में, राजनीतिक में, यदि राजनीतिक है तो वह अपने आप पर विश्वास करे, अपने आप पर विश्वास करता है, सेवक और मंत्री पर विश्वास नहीं करता है।
भाई देख दिखाने के लिए कहता अवश्य है कि हम तुम पर विश्वास करते हैं, परंतु वह पर विश्वास मंत्री और सेवक पर कहते हुए भी बगल से उनके पीछे साइड से गुप्तचर भी छोड़ देता है। गुप्तचर छोड़ देता है यह जानते हुए भी कि यह कह तो रहे थे विश्वास है, और गुप्तचर भी छोड़ देता है इन्हें विश्वास है कि नहीं। जब तक इस राजा को राज्य करने के लिए अपने पर विश्वास है और अपने पर विश्वास करते हुए वह राज्य करता है या शासन करता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता पर विश्वास करते हुए शासन करता है, तो उसका शासन बहुत समय तक चलता है। और जब वह पर शासन करने पर विश्वास करने लगता है, मंत्री या सेवक पर विश्वास करने लगता है, तो उसका राज्य उसी समय से जल्दी ही समाप्त हो जाता है। विचार करो, जब राजनीति में अपने पर इतना दृढ़ विश्वास करने पर जीव शासन कर सकता है, राजा शासन कर सकता है, शासन चला सकता है, अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, तो हमारे लिए हमारे आत्मा पर अनुशासन करने के लिए आत्मा पर कितना दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। हमें दृढ़ विश्वास की जरूरत है। आज हमें स्वतंत्रता, हमारा अनादि सत्य जो स्वतंत्र स्वभाव है, उस पर दृढ़ विश्वास करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, वही धर्म है, वही सम्यक दर्शन है। चाहे छोटा सा अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, यदि उसे अपने आप पर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो वह और दृढ़ विश्वास करते हुए वह किसी के अधीन नहीं है। तंत्र अर्थात अपने ऊपर शासन पालन करते हुए वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह वासना के अधीन नहीं होता है, वह विषयों के अधीन नहीं होता है, वह पैसों के अधीन नहीं होता है, तो वह अपने जीवन में वह शासन बहुत समय तक उसका निर्विघ्न चलता है। आचार्य भगवान अमित चंद्र स्वामी कहते हैं, हे जीव, हे भाई, अपने जीवन में जो अपनी आत्मा की और जितनी जितनी रुचि है, उतना ही सम्यक दर्शन की ओर वह जा रहा है, और जो पर की ओर रुचि है और पर की ओर जा रहा है, पर की रुचि बढ़ती जा रही है, वह मिथ्या दर्शन है। ये नहीं कहा इन भगवान का, इस देव को, इस साधु को पूजने से या इस देव को पूजने से सम्यक एक मात्र आचार्य अमरचंद स्वामी ने यही कहा कि हे भाई, तो अपनी स्वतंत्र सत्ता पर जो स्वतंत्र स्वभाव है, उस पर तंत्र अर्थात उसका सिद्धांत, दृढ़ सिद्धांत करो। जिसे अपना सिद्धांत होता है, अपना विश्वास होता है, उसे पर का भी विश्वास होता है, वह पर को भी जानता है, वास्तविक रूप से जानता है। पर को जानना किस लिए, कि पर अनित्य है। जो मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि, पैसे आदि जो दिख रहे हैं, सामान भी अनित्य है, अशाश्वत है, और जो स्वतंत्र सत्ता आत्मा है, वह शाश्वत है, वह नित्य है,
अनित्य नहीं है, यही धर्म है। हम पूजा कर रहे हैं नमोकार मंत्र की, विधान कर रहे हैं और अंत में यही कहते हैं, देशस्थ राष्ट्रस्थ पुरस्थ राग्या करोति शांति भगवत जिनेन्द्र। जो सीमा पर, देश की सीमा पर खड़े हैं, हे भगवान, उनको भी हमारी आराधना से उनको भी शांति मिले, राष्ट्र को शांति मिले, देश को शांति मिले, परिवार को शांति मिले। सब मिष्ठान बटारते ना, प्रसाद बटारते, और हम हमारे जैन शासन में शांति रूपी प्रसाद हम प्राणी मात्र को बटारते हैं कि हमारी पूजा का फल, आराधना का फल, विधान का फल अकेले हमें ही नहीं मिले, विश्व के प्राणी मात्र को मिले, और सब कोई जीवन में शांति हो, ऐसी भावना के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल देखना ना भूलिएगा अगले दिन के दृश्य। जय जिनेंद्र।